हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आपने ऐसे बैंकों के बारे में सुना होगा जहां लोग पैसे जमा करने जाते हैं, लेकिन एक बैंक ऐसा भी है जहां लोग मरने वाले व्यक्तियों की अस्थियां रखने जाते हैं। ये जानकर आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन ये सच है कि कानपुर में एक ऐसा बैंक है जहां अस्थियों को रखने के लिए लॉकर बने हुए हैं। बता दें कि इस बैंक की स्थापना युग दधीचि देहदान संस्था के संस्थापक मनोज सिंगर ने की है। जानकारी के मुताबिक कानपुर के भैरव घाट स्थित शवदाह गृह पर ही अस्थि कलश बैंक बनाया हुआ है। इसमें कुल 30 लॉकर भी बने हुए हैं। किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद उसके परिजन यहां पर अस्थि को सुरक्षित रख देते हैं और फिर किसी निर्धारित समय पर वापस निकालकर गंगा में विसर्जित कर देते हैं। बैंक की शुरुआत करने वाले मनोज सिंगर ने बताया कि यहां कई लोगों के साथ दिक्कतें आती हैं कि वो प्रियजनों का दाह संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियां घर नहीं ले जा सकते और ना ही कहीं और रख सकते हैं। ऐसे में हम लोगों ने इस बैंक का दिसंबर 2014 में निर्माण किया। उन्होंने बताया कि इस बैंक में लोग अपने प्रियजनों की अस्थियां रख सकते हैं। इसके लिए किसी से पैसे नहीं लिए जाते। एक कार्ड बनाया जाता है जिसे दिखाकर कोई भी व्यक्ति अपने परिजनों की अस्थियां यहां से कभी भी ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रियजनों के दाह संस्कार में नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में मृतक की अस्थियां यहां के लॉकर में रख दी जाती हैं और जब वो लोग आते हैं तो अस्थियों को निकालकर गंगा या अपनी सुविधाजनक स्थान पर विसर्जित करते हैं।